ब्रांड प्लैनेट साइंस और कल्चर से बहुत ज्यादा डेवलप्ड था, पर पॉल्यूशन की वजह से प्लैनेट की हालत बहुत खराब हो गई थी और आज की तारीख में यह प्लैनेट तबाही के कगार पर खड़ा था। अगर ये फॉर्मूला मैं जल्द से जल्द ना बनाऊं, तो ये पूरा प्लैनेट तबाह हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, मैं इसे वापस जरूर बनाऊंगा। मैं फिर से नाकाम हो गया। इतनी जल्दी हार मत मानो ग्रीन, हम लोगों को तुम पे पूरा भरोसा है। चलो चेयर अप, इस पूरे ब्रांड प्लैनेट पे तुम ही तो हो जो हमें बचा सकते हो। थैंक यू दोस्तों मुझे समझने के लिए, मैं फिर से शुरू करूंगा। हाँ? बेटा तुम बहुत थक गए हो। नो मॉम। खाने के लिए घर आ जाओ बेटा। नहीं। ठीक है तो मैं खाना लेकर वहाँ आ जाती हूँ। नहीं मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फोन रखता हूँ। लेकिन और एक बार फेल हो गया। हे ग्रीन, तुम अपने घर जाके अपनी मॉम से क्यों नहीं मिलाते? हाँ थोड़ा रेस्ट कर लोगे तो तुम्हें कोई नई आइडिया सूझेगी नई एक्सपेरिमेंट के लिए। वहाँ टाइम पास करने से अच्छा है कि मैं लैब में काम करूँ। पर ग्रीन, चुप रहो, मुझे अपना काम करने दो। ये फॉर्मूले कुछ काम नहीं कर रहे हैं। क्या सच में ये काम नहीं कर रहा है? एक हर्बल प्लांट ये काम पूरा कर सकता है, पर पता नहीं कौन सा। ग्रीन तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है मम्मा? ओ लिटिल फूल, आज तुम्हारा बर्थडे है। ओ बेटा ग्रीन, तुम खाने में आज क्या पसंद करोगे? मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाऊंगी। कुछ भी चलेगा। फ्रूट हनी कैसा रहेगा? तुम छोटे थे तो बहुत खाते थे। अब मैं छोटा नहीं हूँ, जो चाहिए बनाओ। क्या सच में आज ग्रीन का बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाना बंद करो। अब क्या है? ग्रीन मुझे बचाओ। ग्रीन मामा तुम कहाँ हो? मैं जंगल में हूँ ग्रीन, जल्दी आओ। पर जंगल में कहाँ? जल्दी जाकर मॉम को बचाओ। अपनी मॉम को बचाना तुम्हारा फर्ज है ग्रीन। पर कहाँ ढूंढूं मैं अपनी मॉम को? मॉम ने कहा था वो फ्रूट हनी बनाएंगी, तो शायद वो फ्रूट और हनी लाने माउंटेन में गई होंगी। मामा, मामा कहाँ हो? मामा मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, ये सब मेरी गलती है। मॉम मेरे लिए माउंटेन में आई और मैंने उनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, ये मैंने क्या किया? अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम ग्रीन ही हो ना? हाँ पर आपको कैसे पता? हाँ तुम एक ही बच्चे हो जो पेड़ से बात कर सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। मेरी मॉम खो गई है और वो खतरे में है और मुझे नहीं पता उन्हें कहाँ ढूंढूं। सॉरी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। ग्रैंडपा ट्री, मैं इसका जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैंने अपनी मॉम का ख्याल नहीं रखा। पर मैं क्या करता, मुझे ब्रांड प्लैनेट को बचाना है और इसके लिए मुझे सोल्यूशन भी ढूंढना है। देखो ग्रीन, अपनी फैमिली का ध्यान रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी मॉम को इग्नोर करके सिर्फ अपना काम करना ही तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, अपनी मॉम को भी संभालो। क्या आप मेरी मॉम की फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हो? सही समझे। वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तुम हमेशा उनका ध्यान रखना। मम्मा, मम्मा, ये सब मेरी गलती है, मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम उदास मत हो ग्रीन, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ग्रैंडपा ट्री, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं ट्री और माउंटेन की शक्तियों को बुला रहा हूँ, वो तुम्हारी मदद करेंगे।
इस हरे पत्ते के पीछे जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी मौत तक पहुंचा देगा। मॉम, हाँ? ग्रीन, मॉम मैं आ गया आपको बचाने के लिए। आउच, मेरा पैर। सॉरी, मुझे आपको ऐसे खतरनाक जगह पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कोई बात नहीं ग्रीन, मैं समझ सकती हूँ। तुम जो काम कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। नो मॉम, आप भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। चलो मैं आपको उठाता हूँ। ग्रीन, तुम थक गए होंगे। सॉरी मॉम, मैंने हमेशा सिर्फ अपने काम के बारे में सोचा। मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया और आपकी केयर भी नहीं की। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई, पर मुझे पता है तुम्हारा काम ही ऐसा है। हम घर जाने के बाद मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। मम्मा, आप बस यहाँ बैठिए। मम्मा, ये लो। मेरा बेटा। मैं पेड़ को पानी डालता हूँ। मम्मा, मैंने ये पौधा कभी नहीं देखा है। ये कौन सा पौधा है? इसे मिंट कहते हैं। इसे दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हाँ? ये प्लांट तो बहुत ही स्पेशल है। ये शायद मेरे एक्सपेरिमेंट में काम आ जाए। इसे लैब ले जाओ और रिसर्च करो। मॉम, मैं अभी लैब नहीं जाऊंगा। अभी घर पे रह के आपका ख्याल रखूंगा। देखो बेटा, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पे होना जरूरी नहीं है। तुम्हारा अपना काम भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें सिर्फ अपनी माँ के बारे में नहीं, पूरी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम एक हीरो हो। मॉम, मैं समझ गया। मैं अभी इसी वक्त लैब में जाता हूँ। अरे वाह, ये बन गया। बना दिया रे, बना दिया। ग्रीन, तुम सबसे बेस्ट हो। मैं ग्रीन को उसके सक्सेसफुल आविष्कार के लिए उसे सम्मानित करता हूँ और अवार्ड देता हूँ। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मुझे जो ये अवार्ड मिला है, ये सही में मेरे मॉम को मिलना चाहिए। उनकी हेल्प के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। ग्रैंडपा ट्री ने मुझे समझाया कि हमारे काम के साथ हमें फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन। तुम्हारी रिसर्च, तुम्हारी बातें और तुम्हारे अचीवमेंट ने हमें बहुत सिखाया। तुम्हें बहुत 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 बधाइयाँ। हमें तुम्हारे जैसा बहादुर एंट चाहिए जो ये मिशन पूरा करेगा। मैं मिशन में हमेशा आपके साथ हूँ। ग्रीन को काइंडनेस का मतलब समझ में आ गया। अब वो अपनी फैमिली के साथ साथ सबका ख्याल रखता है और आज वो ब्रांड प्लेनेट पर काइंडनेस का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। अब वो नए प्लेनेट पर एक पर्ल ऑफ जस्टिस फ्लैश हुआ है और वो भी इंडिया के ताजमहल पर, जो दुनिया के सात अजूबों में से एक है। तो मैं आ गया। ये लो, पर्ल को मेरे हवाले कर दो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।